2023 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के जिला संयोजकों की नियुक्ति भी की गई है। सभी 57 संगठनात्मक जिलों में जिला संयोजक नियुक्त किए गए हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर ये सभी संयोजक जो है वो नजर बनाए रखेंगे, निगरानी रखेंगे, तैयारियों पर नजर रखेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण है आज का घटनाक्रम बीजेपी के लिए। तो विवेक से एक बार फिर बात कर लेते हैं। विवेक, तो कुल मिलाकर बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार दे दी है। देखिए, निश्चित तौर पर ये समितियों का ऐलान पिछले कई दिनों से जो इंतजार किया जा रहा था कि समितियों का ऐलान कब होगा। अमित शाह पिछले दो दौरे में 11 जुलाई को भी और उसके बाद जब 26 जुलाई को आए थे तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमित शाह के आने के पहले ये समितियां लगभग फाइनल हो जाएगी 26 तारीख के पहले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब जब अमित शाह कल फिर एक बार मध्य प्रदेश के दौरे पे आ रहे हैं, जुलाई के महीने में ही तीसरी बार आ रहे हैं, तो ऐसे में आज ही इन समितियों की घोषणा कर दी गई है। और समितियों में जो नाम शामिल किए गए हैं वो काफी चौंकाने वाले भी नाम है, कुछ नाम ऐसे हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने की कोशिश एक जो है बीजेपी ने की है। और ये समिति में जो नाम है ये जो है समिति के में जो नाम शामिल किए गए सलाह मशवरा और केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से ही इस इन समितियों में नाम शामिल किए गए। मतलब कोई एक व्यक्ति का ये फैसला नहीं है, पूरा केंद्रीय नेतृत्व, क्योंकि अमित शाह के लगातार दो दौरे जो हुए थे उन दौरे के दौरान जो मीटिंग हुई थी प्रदेश कोर ग्रुप के साथ, उस मीटिंग में भी इन नामों पर चर्चा हुई थी और उसके बाद ही ये नाम फाइनल हुए हैं। अभी और भी कई समितियां आनी बाकी है, लेकिन जो प्रमुख समितियां हैं वो यही समितियां हैं जिनकी आज घोषणा हो चुकी है। तो बिल्कुल विवेक, अमित शाह के जो दौरे हो रहे हैं उनमें जो बैठकें हुई, उनमें जो फैसले हुए, उसके आधार पर इन समितियों का ऐलान किया गया। और जाहिर सी बात है कल एक बार फिर से अमित शाह का दौरा है और ऐसे में बीजेपी को चुनावी समितियों का जो बनी है इनका ऐलान करना जरूरी भी हो गया था। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।